हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आज हम करते हैं अल्फाबेट बी। हाउ टू राइट अल्फाबेट बी, बी कैसे लिखते हैं आज हम सीखते हैं। मैम के साथ आप रीड करना लाउडली और लिखना भी कैसे लिखते हैं स्टेप बाय स्टेप। देखें, टू डोर्स हैं, एक ऊपर एक नीचे। ऊपर से नीचे रेलगाड़ी लाइए, सीधा 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 स्टैंडिंग लाइन में आ गए। ये हमारी स्टैंडिंग लाइन बन गई। अब यहाँ से हमारा राइट सर्कल जाता है, ऐसे राइट सर्कल, और उसके बाद यहाँ तक लेफ्ट सर्कल दीजिए, हाफ में हाफ सर्कल लेफ्ट सर्कल। अब यहाँ से इस बिंदु तक आइए, ऐसे इसको यहाँ टच कीजिए, दूसरा हाफ सर्कल। ये बन गया बी फॉर बॉल, बी फॉर बॉल। फिर से एक बार ट्राई करते हैं। देखिए, यहाँ पर दो डॉट हैं, दो बिंदु है, ऊपर से नीचे स्टैंडिंग लाइन सीधी। वेरी गुड, आप भी दीजिए कॉपी में। फिर यहां से ऊपर को जाना है सेमी सर्कल, राइट सर्कल में जाइए ऊपर, ऐसे। वेरी गुड, लाइन को टच करना है, बिंदु को टच करना है, टेढ़ा मेढ़ा मत जाइए। और अब यहाँ से आगे आइए, आगे आइए। अब यहाँ नीचे जो बीच वाली लाइन है इसको टच करके यहाँ हाफ सर्कल बनाइए, लेफ्ट सर्कल बनाइए। अब यहाँ से फिर से एक छोटा सा सर्कल बनाना है, यहाँ से ऐसे। वेरी गुड, ये बन गया बी फॉर बैट, बी फॉर बैट। अब फिर से एक बार ट्राई करते हैं। देखिए, ऊपर से बिंदु, नीचे भी बिंदु, सीधा लाइन देना है, स्टैंडिंग लाइन दे दी हमने, ये स्टैंडिंग लाइन बन गई। अब हमने यहां से ऊपर जाना है सर्कल में, यहां से ऊपर ऊपर बिंदु को टच करना है, राइट सर्कल बन गया। अब हमने इस बिंदु को टच करना है सेमी सर्कल बनाते हुए, यहां से सेमी सर्कल बनाइए, ऐसे। वेरी गुड, अब यहां से दूसरा सेमी सर्कल देना है हाफ, यहाँ पे ऐसे। और यहां से इसको हल्का सा वापस मोड़िए, ऐसे। ये बी फॉर बॉय, बी फॉर बॉय। बॉय क्या खेलता है? बी फॉर बॉल खेलता है, बी फॉर बैट खेलता है। अब नेक्स्ट चलते हैं, फिर से ऊपर से नीचे स्टैंडिंग लाइन। अब यहां से जाना है ऊपर राइट सर्कल, टच करना है लाइन को। अब इस बिंदु को हमने टच करना है, सेमी सर्कल बनाना है, हाफ सर्कल, ऐसे। अब यहां से फिर से हाफ सर्कल बनाना है, ऐसे। यहां से हल्का सा वापस आना है, ऐसे। ये बन गया बी फॉर बैग, बी फॉर बैग। बॉय बैग डालेगा पीठ में। फिर से ट्राई करते हैं। ऊपर से नीचे स्टैंडिंग लाइन, यहां से राइट सर्कल, ऊपर को टच करना है लाइन को, और उसके बाद इस पॉइंट को मिलाना है सेमी सर्कल, हाफ सर्कल देना है लेफ्ट साइड का। यहाँ फिर से सेमी सर्कल, यहां से हल्का सा वापस मुड़ना है इस तरह से। ये बन गया बी फॉर, ऊपर से आना है नीचे, फिर यहां से राइट सेमी सर्कल, और यहाँ हाफ सर्कल देना है इस लाइन तक। लाइन का ध्यान रखना है, लाइन से बाहर आपने बिल्कुल भी नहीं जाना है। यहां से इस लाइन को पकड़ो, सेमी सर्कल दो, लेफ्ट सर्कल। अब यहां से ऐसे आना है। ये बन गया बी फॉर बॉटल। बॉय ने बुक डाली, बैग डाला, बैग के अंदर बुक डाली, बी फॉर बुक डाली, और बैग के अंदर बी फॉर बॉटल भी डाली। अब बी फॉर बस,
बी फॉर बस कैसे बनाते हैं? ऊपर से नीचे स्टैंडिंग लाइन, फिर यहां से कर्व लाइन, राइट कर्व लाइन, यहां से हाफ लेफ्ट कर्व। अब यहां से फिर से जाइए हाफ कर्व में, फिर यहां से वापस आइए थोड़ा सा ऐसे। बी फॉर बस बॉय, बी फॉर बॉय बुक डाल के, बैग डाल के गया, उसके अंदर बुक डाली और बुक के साथ साथ बॉटल भी डाली और पीठ में डालकर बस में बैठ गया। बी फॉर बस, बी फॉर बस। देखते हैं ऊपर, ऊपर से नीचे स्टैंडिंग लाइन, अब यहां से राइट कर्व लाइन, यहां से हाफ कर्व लाइन, लेफ्ट कर्व लाइन, यहां से इधर को फिर से आइए, इस बिंदु को मिलाइए, हाफ कर्व लाइन, यहां से वापस आइए। बी फॉर बॉक्स, बी फॉर बॉक्स। अब रीड करिए इसको। बी फॉर बैट, बी फॉर बॉल, बी फॉर बॉय, बी फॉर बुक, बी फॉर बैग, बी फॉर बॉटल, बी फॉर बस, बी फॉर बेर, बी फॉर बैंक। ये हमारा था बी फॉर बॉल। बी अल्फाबेट हमने लिखा और आप खूब प्रैक्टिस कीजिए। इसके बाद हम सी फॉर कैट लिखना सीखेंगे। अब करते हैं सी फॉर कैट, सी अल्फाबेट कैसे लिखते हैं देखें ध्यान से। यहां से हमने ऊपर स्लैंटिंग लाइन जाना है, एक बिंदु यहाँ है, एक ऊपर टेढ़े में है, तिरछी लाइन में है, और यहां से हम स्लैंटिंग लाइन में जाएंगे ऊपर। बिंदु पकड़ा आपने, बिंदु को पकड़ना है और लाइन से बाहर नहीं जाना है, क्योंकि लाइन से बाहर लोगों का घर होता है, लोगों के घर में नहीं घुसते हैं। ओके, यहां से ऊपर टेढ़ी स्लैंटिंग लाइन, टेढ़ी लाइन देनी है, यहां से आगे आना है और बिंदु, यहां से आगे स्लीपिंग लाइन में आइए, यहां से आगे स्लीपिंग लाइन में आना है, फिर वापस जाना है यहां तक, स्लीपिंग लाइन पर आना है, फिर वापस उसी पॉइंट में जाना है, फिर यहां से नीचे आना है, यहां को टच करना है, फिर राइट कर्व लाइन में आना है, राइट कर्व लाइन, यहां को लाइन बिंदु टच किया कर्व लाइन में, फिर आगे आना है, फिर स्लीपिंग लाइन में आना है, फिर यहां से स्लैंटिंग लाइन देनी है फिर से। ये बन गया सी फॉर कैट, सी फॉर कैट। अब चलिए फिर से नेक्स्ट देखें। सबसे पहले स्लैंटिंग लाइन, बिंदु को पकड़िए स्लैंटिंग लाइन, फिर यहां से आगे स्लीपिंग लाइन में जाना है, यहां से आगे स्लीपिंग लाइन में जाइए, अब वापस आइए स्लीपिंग लाइन होकर, वापस पॉइंट पे मिलिए, फिर नीचे आना है, नीचे आना है, और अब यहां नीचे कर्व बनाना है, राइट कर्व बनाना है, यहां पर नीचे ऐसे लाइन को पकड़ना है, उसके बाद आगे स्लीपिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन थोड़ा आगे जाना है, उसके ऊपर टेढ़ा करके स्लैंटिंग लाइन। ये बन जाता है सी फॉर कार, कै सी फॉर कैट, सी फॉर कार में बैठ गई है। सी फॉर कैट कहाँ चली गई? सी फॉर कार के अंदर। अब देखते हैं, अब और बनाते हैं कुछ। यहां से ऊपर स्लैंटिंग लाइन, फिर आगे स्लीपिंग लाइन, छोटी सी स्लीपिंग लाइन, फिर वापस आना है उसी पॉइंट पे, फिर यहां हाफ में वापस आना है इधर, फिर नीचे डॉट देनी है और यहां पे छोटा सा कर्व बनाना है, राइट कर्व, फिर आगे आना है थोड़ा सा स्लीपिंग लाइन में, फिर स्लैंटिंग लाइन ऊपर लाइन को टच करना है। ये बन गया हमारा सी फॉर कंप्यूटर, सी फॉर
कंप्यूटर। अब फिर से देखिए, यहां से स्लैंटिंग लाइन ऊपर, फिर आगे स्लीपिंग लाइन छोटी सी, फिर वापस आना है, फिर नीचे को आना है लाइन पर, फिर नीचे लाइन के ऊपर बिंदु देने हैं, कर्व बनाना है, स्लीपिंग लाइन में आना है और यहां से ऊपर स्लैंटिंग लाइन में जाना है। ये बन गया सी फॉर कैरेट। सी फॉर कैरेट, कैरेट मतलब गाजर, सी फॉर कैरेट। अब देखते हैं, यहां से स्लैंटिंग लाइन, यहां से स्लैंटिंग लाइन गए, टेढ़े गए, फिर यहां से आगे जाना है स्लीपिंग लाइन में, फिर वापस आना है पॉइंट पे, फिर यहां से नीचे कर्व बनाना है, यहां से नीचे कर्व बनाना है, कर्व बनाकर हमने आगे लाइन के ऊपर स्लीपिंग लाइन में जाना है, यहां से ऊपर टेढ़ा स्लैंटिंग लाइन में जाना है। सी फॉर कैमरा, सी फॉर कैमरा। अब देखें आगे, यहां से टेढ़ा जाइए स्लैंटिंग लाइन में, फिर आगे बिंदु करिए स्लीपिंग लाइन में, छोटी सी स्लीपिंग लाइन, फिर वापस आना स्लीपिंग लाइन से, फिर नीचे वाली लाइन को टच करना है और हमने सर्कल लाइन देनी है, कर्व लाइन देनी है। यहां से स्लीपिंग लाइन छोटी सी, यहां से स्लैंटिंग लाइन ऊपर को। इस तरह से हमने सीखा आज सी फॉर केज, सी फॉर केज। अब देखिए कैसे रीडिंग करते हैं फिर से इसकी। सी फॉर कैट, सी फॉर कैट, सी फॉर कार, सी फॉर केज, सी फॉर कैरेट, सी फॉर कैमरा, सी फॉर कंप्यूटर। अब आपने भी लिखना है, खूब प्रैक्टिस करनी है और इसके बाद हम सीखते हैं डी और आगे वाले अल्फाबेट। तब तक आपने खूब प्रैक्टिस करनी है और मैम को बताना है। थैंक यू।